नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चला रखा था, जहां ऐसी कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन इत्यादि उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही थी। वहीं अब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ गया है और इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के, फिलहाल मामला तो गरमाया हुआ है और इस मामले को लेकर के जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए वो भी सख्त दिखे हैं, जिसके बाद लखनऊ में पहला एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है जो कि हजरतगंज कोतवाली में शैलेंद्र वर्मा की तरफ से दर्ज कराया गया है। अगर इस मामले को लेकर के हम पिछली तस्वीरों की बात करें तो साल 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का की एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस मामले में किसी तरह की कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी। फिलहाल जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस मुकदमे को दर्ज कराते हुए साफ तौर से कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को लेकर के जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देते हुए सभी सामग्रियों को बेचने का मामला सामने आया है, उसको लेकर के कई कंपनियों के साथ साथ जो उसके मालिक हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों की बात कही जाए तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो मुकदमा है वो तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुकदमे के बाद इस पूरे मामले की वो जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट का जो मामला सामने आया, इस हलाल सर्टिफिकेट के मामले को लेकर के आखिर आने वाले समय में क्या कुछ मोड़ लेता है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के साल 2022 की जो तस्वीर है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, उस मामले पे किसी तरह की कोई अभी कार्रवाई या सुनवाई देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो अभी ताजा मामला सामने आया, तो इस मामले के बाद से कहीं ना कहीं जरूर कहा जा रहा है कि अब जो मामला है वो काफी गर्माएगा। कौन-कौन से सामग्री इस हलाल सर्टिफिकेशन में आते हैं जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जो बात की जाए हलाल को लेकर के, फिर चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, इन सभी चीजों को एक हलाल के रूप में जिस तरीके से सर्टिफिकेट देने का जो बात सामने आ रही है, उस हलाल अगर शब्द की बात की जाए, हलाल एक इस्लामिक शब्द है और इस्लामिक शब्द में साफ तौर से कहा जाता है कि जिस तरीके जो चीज हलाल होती है उसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है, हराम चीजें इस्तेमाल नहीं कहते। तो इसी एक विशेष समुदाय को जोड़ते हुए पूरी तरीके से ये मामला प्रकाश में सामने आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से जो साबुन की बात की जाए और खाने पीने की सामग्री की बात की जाए, टूथपेस्ट की बात की जाए, जो ब्रश की बात की जाए, इन सभी चीजों में जो हलाल सर्टिफिकेट की जो बात सामने आ रही है, अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उस मुकदमे के बाद जो जांच पड़ताल है, उस जांच पड़ताल में जो कंपनियों के नाम दिए गए हैं, फिर चाहे दिल्ली की बात की जाए या जमातुल हिंद की बात की जाए, इस तरीके से कई ऐसे जगहों के नाम जो दिए गए हैं, उस मामले पे जब तफ्तीश होगी, उस तफ्तीश के बाद क्या कुछ सामने आएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या लगता है कितनी कंपनियां इस पूरे मामले में शामिल हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात, मुस्लिम कंपनियों की बात की जाए, जिस तरीके से एक जो हलाला सर्टिफिकेट को लेकर के बात किया, तो ये साफ तौर से जो मुस्लिम कंपनियां हैं उन कंपनियों को सीधे तौर से उनको ही उनके ही ऊपर सीधा निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की बात की जाए, राजधानी लखनऊ की बात किया है, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो लखनऊ की भी कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियां भी इसकी जद में आ सकती है, वो भी जांच के दायरे में आ सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ल्ड कप 2023 में अब तक टीम इंडिया ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है। आज से पहले इतनी सशक्त टीम इंडिया पहले शायद ही कभी नजर आई हो। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर मामले में भारतीय खिलाड़ी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। इसी को लेकर प्रयागराज में संगम के तट पर VIP घाट पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने सैंड आर्ट बनाकर भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जीत की अग्रिम बधाई दी है। बताया जा रहा है कि रविवार को कंगारू के साथ भारतीय क्रिकेट टीम भिड़ेगी, जिसको लेकर प्रयागराज सहित पूरा देश भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता बनने की दुआएं भी कर रहा है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार प्राप्त है सेंट आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने अब तक सैकड़ों सेंट आर्ट बनाया है, बनाकर प्रयागराज के सहित दुनिया भर के लोगों को सेंट आर्ट के माध्यम से तमाम जागरूकता संदेश भी दे चुके हैं। तो बता दें कि वर्ल्ड कप का कल
फाइनल है, जिसको लेकर अभी से टीम इंडिया को बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। हम प्रयागराज से बात करें जहां पर सेंट आर्ट ने टीम इंडिया को बधाई दी है अपने सेंट आर्ट की कलाकारी को दिखाते हुए, और उन्होंने एक आर्ट बनाया है जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को अग्रिम बधाई दी है कल के मैच के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, प्रयागराज से है सेंट आर्ट का, जो तरीके से उन्होंने कलाकारी दिखाई है, टीम इंडिया को बधाई दी है। सेंट आर्टिस्ट का नाम है अजय, इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इसके पहले भी इन्होंने अपनी कलाकारी से लोगों का दिल जीता है, और वो अब टीम इंडिया को उन्होंने अग्रिम बधाई देते हुए एक सेंट आर्ट बनाया है जिसकी काफ़ी चर्चाएँ भी हो रही हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए सेंट आर्ट अजय कुमार ने टीम इंडिया को बधाई दी है अपने सेंट आर्ट कलाकार से, जिस तरीके से उन्होंने कलाकारी दिखाई है। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और पूरा देश पूरे भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, हालांकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है और अभी तक पूरी जो है भारतीय टीम अपराजेय रही है, ऐसे में कल जो है कंगारियों के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल होना है और पूरे देश की निगाह है भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के लिए दुआएं कर रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने अच्छे लय में दिख रही है और लगभग हर टीमों को हरा कर भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में जब तक भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में सामने आएगी तो किस तरीके से तस्वीरें होंगी, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के लेकर यहाँ पर किस तरीके से जो है पूरा देश लोग दुआएं कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है विश्व विजेता बने, वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम उठाए। ऐसे अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां हम आपको दिखाएंगे, ये प्रयागराज की है और प्रयागराज का ये संगम तट का VIP घाट है। अगर VIP संगम तट की बात करें तो संगम तट में आने वाले 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें करीब 500 करोड़ लोग आएंगे, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये वही तस्वीरें हैं और खास तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में जो भारत देश के युवा है उनकी दुआएं है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते। हालांकि यहाँ पर सैंड आर्ट बनाया जा रहा है, जो सैंड आर्ट है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार है अजय गुप्ता, उनकी टीम है। और अजय गुप्ता के बारे में बता दें, अजय गुप्ता वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कप को लेकर इन्होंने ये जो सैंड आर्ट बनाया और तमाम ऐसे सैकड़ों सैंड आर्ट इन्होंने प्रयागराज में बनाए हैं जिसको जागरूकता अभियान भी कहा जाए, हालांकि इनको तमाम पुरस्कार भी प्राप्त है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सैंड आर्ट बनाया है और क्या उद्देश्य है इनका, क्या कहना चाहेंगे। देखिए जैसे मैं बता दूं, हम लोग काफी एक्साइटेड हैं हमारी टीम द्वारा और ये सैंड आर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड कप का, क्योंकि बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब इंडिया और का मैच होता है या अदर कंट्रियों से, तो ये फाइनल मैच है और ऑस्ट्रेलिया से है तो काफी डट के मुकाबला करना पड़ेगा अपनी टीम इंडिया को, और हम लोग उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे मित्र मनोज है, सीनियर जोनू प्रजापति है, बादल है, आशीष है और जय किशन जी है, और हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्ट किया है और हम तो यही अपील करते हैं कि आप लोग भी भारत देशवासियों का मनोबल बढ़ाइए क्योंकि बिना मनोबल के कुछ भी नहीं है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आ रहे हैं उस समय और ये हम बता दें जीतेगा तो अपना इंडिया ही जीतेगा। अजय जी, आप तमाम लोग आपने सैकड़ों सैंड आर्ट बनाए हैं प्रयागराज में, तमाम जागरूकता अभियान में भी आपने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, किस तरीके से अभी तक आपको पुरस्कार मिले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने और हमारी टीम के जो हमारे पार्टनर हैं मनोज जी, हम दोनों ने सैंड आर्ट यूनाइटेड किंगडम से किया है और हम लोगों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यूनाइटेड किंगडम से वर्ल्ड रिकॉर्ड वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों ने 450 फीट का बीड़ा बनाया था और काफी अच्छा लगता है, हम लोग रिकॉर्ड ऐसे करते चले जा रहे हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जो सैंड आर्ट है वो हमारे मोदी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी तक पहुंचे और हम लोग को कुछ ऐसा मनोबल वो भी बढ़ाए। भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कल कंगारुओं के साथ फाइनल मैच है, हाई वोल्टेज मैच भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप भारतीय टीम के लिए। देखिए अगर वो लोग कंगारू तो हमारी टीम भी
पूरे पिंजरे के साथ वहां पे आएगी, हर एक कंगारू को कैद कर लेगी, जहां तक हमारे इंडिया कंट्री तो सभी कंगारू को कैद कर लेगी जहां तक है। और हम लोग बहुत ही उत्साहित है इसके लिए, और बहुत ही हमारे मित्र मनोज है और काफी हम लोग उत्साहित है। और ये देखिए आप सैंडार्ड जिस तरीके से हुआ है, पूरा यहाँ पे संगम के आ गए हैं हमारे सैंडार्ड को देखने। और अब तस्वीरें भी दिखाएंगे नंदिनी, ये देखिए अगर हम पूरे इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय जो स्टार खिलाड़ी है उनकी तस्वीरें हैं। और ये जब कपिल देव कप्तान हुआ करते थे 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। और इस समय अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो ये मोहम्मद शमी की तस्वीर है, और इधर तस्वीर है जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, अजय जडेजा, और ये बुमराह है, विराट कोहली जो सनसनी खेज है इस समय। और ये देखिए ये तस्वीर है, खासकर से युवाओं के हाथ में जो जोश है, युवाओं के दिल में जो जोश है, निश्चित रूप से वो भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिताएगी। हम और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने मोहम्मद शमी का पोस्टर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय क्रिकेट टीम को? सर अभी तो पूरा देश क्रिकेट को लेकर बहुत ही जागरूक है, आप देख ही रहे हैं, और सब लोग रोमांचक है क्योंकि जितनी भी मैचें अभी तक हुई है सब में इंडिया विजय हुआ है और प्रचंड जीत हो रही है। तो इस बार जो हमारा फाइनल मैच है इसमें भी इंडिया जीतेगा, मैं श्योर हूँ कि इंडिया ही जीतेगा। और शमी की बात करें तो इस बार तो बल्ले बल्ले है शमी जी का, क्योंकि हर बार देखे विकेट के मामले में तो सिर्फ शमी जी ही बेस्ट है। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा हम लोगों ने आज मेहनत की, ये पूरा हमारे लोग का स्टैंडर्ड जो है देश को समर्पित है ये स्टैंडर्ड जो आज का है। बिल्कुल तस्वीरें और हम आपको दिखाएंगे, देखिए जिस तरीके से युवाओं की बात करें और ये युवतियां हैं इनके हाथ में भी जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा, ऐसी तमाम तस्वीरें प्रयागराज में हमने कई स्थानों पर देखे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपने स्टैंडर्ड भी बनाया है और भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए जिताने के लिए आप लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे, क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ इंडिया ही जीते और इंडिया ही जीतेगा और हमें विश्वास है इंडिया ही जीतेगा। आप क्या कहेंगी? आपने बुमराह का पोस्टर लिया है, ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तो हम मतलब हम सभी चाहते पूरे भारतवासी चाहते कि इंडिया ही जीते, हम लोग की पूरी उम्मीद है कि यही जीते, इंडिया ही जीते। एक और हम तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे, ये हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए खास तस्वीरें हैं, और ये प्रयागराज के संगम तट की तस्वीरें हैं। ये प्रयागराज का संगम तट है जिसको वीआईपी घाट कहा जाता है, और ये वही वीआईपी घाट है जहां पर आने वाले 2025 में करीब 50 करोड़ जनता जो देश के कोने कोने से आएंगे इसी संगम में डुबकी लगाएंगे। और 2025 में जब यहाँ पर भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन होगा तो ऐसे में जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं साफ तौर से अपने ओर आकर्षित करती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है, और प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से अपने लोगों की ओर आकर्षित करती है। और भी युवा हम इनसे भी बातचीत करेंगे, पहले तो हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, देखिए तस्वीरें भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्टार खिलाड़ी हैं उनकी तस्वीरें हैं, रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और रविंद्र जडेजा, बुमराह, विराट कोहली, और आपने यहाँ पर पोस्टर ले रखा है भारतीय क्रिकेट टीम लगातार वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, कल फाइनल का मैच होगा, आप लोगों ने वहां पर स्टैंडर्ड बनाया, क्या कहेंगे? सर हम अपने स्टैंडर्ड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम पूरे भारत जो वर्ष है तो इंडिया मतलब फाइनल। हम एक बार और अजय जी के पास आएंगे। अजय जी चूंकि आप लगातार प्रयागराज में आपने तमाम सैकड़ों स्टैंडर्ड बनाए हैं, लोगों को तमाम आपने जागरूकता अभियान में भी अपनी सहभागिता दिखाई है, स्टैंडर्ड बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे फिर से? मैं देखिए बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि कल हमारा वर्ल्ड कप हमारे पास आने वाला है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं ये स्टैंडर्ड करना हमारी टीम के अलावा इसको करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग सुबह से आते हैं, हमारे मित्र मनोज हैं, जोनू भैया हैं, बादल हैं, काफी हम लोग सुबह से लगे हैं, और ये उत्साहित हम लोग जो वर्ल्ड कप बना रहे हैं, आप देख सकते हैं सर कि वर्ल्ड कप बनाने में जो उत्साहित है हमारे टीम के अंदर फूट फूट भर चुका है, और कल इंडिया जीतेगी। और शमी की एक गेंद पे मैं तो चाहता हूँ कि एक ओवर पे 3 विकेट ले ले, और काफी उत्साहित है सब सर, तो मैं काफी ये बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा। बिल्कुल देखिए तस्वीरें एकदम साफ पर दिखा रहे हैं वाराणसी से, पूरे देश जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी, दुआओं का दौर तब भी जारी था और अब भी जारी है। वाराणसी से पिछली बार हमने तस्वीर देखी कि गंगा आरती हो रही थी टीम इंडिया के लिए, और अभी भी देखिए वहां का जो प्रयागराज की जो जनता है कितना प्यार दिखा रही है, सैंड चाहे आर्टिस्ट हो चाहे वहां की आम जनता हो, तस्वीरें लेकर, और लगातार अब दुआओं का दौर जारी है कि किस तरीके से कल टीम इंडिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे।
बिल्कुल, एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके से, अगर हम पूरे प्रयागराज की बात करें तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा स्टैंडार्ड बनाया गया, और स्टैंडार्ड के ठीक सामने ये आपको वर्ल्ड कप की कलाकृति दिख रही होगी, कलाकृति के ठीक बगल में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जो पूरे भारत देश का गौरव कहा जाता है, और ये किस तरीके से लहरा रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में जब भारतीय क्रिकेट टीम चंदारुओं के साथ दो दो हाथ करेगी तो निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाएगी, और निश्चित रूप से जो युवाओं की दुआएं है वो भारतीय क्रिकेट टीम को निश्चित रूप से वर्ल्ड कप का विजेता बनाएगा। हालांकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम पूरे देश को एक बार फिर से गौरवान्वित करेगी। जी नंदिनी, बिल्कुल पवन, देखिए यही दुआओं का दौर तब भी था और अब भी है, वाकई में कल टीम इंडिया की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो देखने के लायक होगी और हमारा ही वर्ल्ड कप होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानपुर नगर कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूलों में छात्र ने शिक्षिका पर यौन उत्पीड़न करने और धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और छात्र ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद स्कूल के बाहर कई दिनों तक जमकर वहां पर हंगामा हुआ था और छात्र के पिता ने कैंट थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मामले में जांच की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शिक्षिका समेत तीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और अब मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो खबर कानपुर से बता रहे हैं जहां पर कई छात्रों ने यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का शिकायत अपने परिजनों से किया था। परिजनों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है शिक्षिका समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मोबाइल का डाटा पुलिस खंगाल रही है और आगे की जाँच भी शुरू कर दी गई है। तो कानपुर नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर शिक्षिका समेत तीन लोगों पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि शिक्षिका पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है अभी तक? पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल से सामने लेके गया था, जहाँ कुछ दिन पहले एक छात्र ने अपनी शिक्षिका पर ही धर्मांतरण का आरोप लगाया था और इसके बाद मामला मीडिया में पहुंचा था। इसके बाद वो कानपुर पुलिस हरकत में आई थी और छात्र के पिता ने जो है कैंट थाने में शिकायती पत्र दिया था, लेकिन पुलिस ने जो है मामला दर्ज नहीं किया था। पुलिस ने कहा था कि जाँच की जाएगी, जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी जांच में निकल के सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें कैंट एसीपी की, तो उनका ये भी कहना है कि पूरे मामले में केस डायरी तैयार की जा रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा तीन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, इस वजह से मामला दोबारा खुल गया है। अब इसकी दर्ज पर जो है जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी चीजें सामने निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहले पुलिस ने क्यों धर्मांतरण का मामला दर्ज नहीं किया, ये बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है। और इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और अभी भी जाँच की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जाँच के बाद आखिर पुलिस क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में करती है। जी दीपक, ये किस स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है और कौन सी क्लास के ये छात्र थे जिन्होंने आरोप लगाया है? ये देखिए कैंट स्कूल में एक निजी स्कूल है, कैंट थाना क्षेत्र में निजी स्कूल है। अगर छात्र की बात करें तो दसवीं का ये छात्र जो पढ़ने जाता था, उसने आरोप ये लगाया अपनी शिक्षिका पर कि वो व्हाट्सएप चैटिंग भी से बात करते थे, धर्मांतरण की भी बात सामने निकल के आई, दबाव बना के धर्मांतरण किया गया। किसी तरीके से छात्र ने अपने जो है परिजनों को बताया, परिजनों ने जो है पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस हिलावाली करती रही, कार्रवाई नहीं की। आखिरकार पीड़ित पिता ने जो है कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और अब भी पुलिस जांच की बात कह रही है। अब देखना यही होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस पूरे मामले में अखिल भारतीय परिषद के जो लोग थे और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी हंगामा किया था। हंगामे के बाद स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने एक शिक्षिका को जो है सस्पेंड कर दिया गया था और उन्होंने भी कहा था कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन पूरे मामले में लगातार हिलावाली होती रही। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज हो गया है तो अभी भी जांच की बात कही जा रही है। पूरे मामले में एसीपी जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी
जी, परिजनों ने और क्या कुछ मांग की है, परिजनों की तरफ से क्या कुछ अभी तक बयान सामने आया है? देखिए, परिजनों की अगर बात की जाए तो पीड़ित के पिता का बयान साफ तौर से आया है कि हम लगातार धर्मांतरण की बात कह रहे थे, हमारे छात्र के साथ धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था, पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी, कई बार जो है शिकायती पत्र लेके थाने गए लेकिन वहां से उनको भगा दिया गया और कहा गया कि आपकी जांच हो रही है। तो पूरे मामले में पीड़ित के पिता का यही कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी जांच के बाद जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये खबर कानपुर से है, जहां पर बता दें कि शिक्षिका पर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। वहीं शिक्षिका समेत 3 लोगों के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लगातार पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। जिस जो एप्लीकेशन मैंने थाने में दी थी, वही एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन मैंने कोर्ट में दी, उसी आधार पर धर्म परिवर्तन और पास्को के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया है। समय से इसके लिए मैं विगत 2 महीने से दौड़ रहा हूँ इसके लिए। आपको क्या लगता है कि पुलिस इस मुकदमे में लिखने में लापरवाही कर रही है? पुलिस ने ही मुझको, मेरी पत्नी को थाने से भी इंस्पेक्टर साहब ने भगा दिया। उन्होंने हर बार IGERS पे भी जो रिपोर्ट लगाई वो भी फर्जी लगाई कि हमने कोई साक्ष्य नहीं दिए, हमने सारे जबकि सबूत दिए थे। SHO कहीं ना कहीं मिली भगत है स्कूल प्रशासन से, जो हर तरीके से वो स्कूल प्रशासन का ही पक्ष ले रहे थे। मैं विगत 2 महीने से परेशान, ACP साहब 20 तरीके से कर रहे थे, मेरा मोबाइल 1 महीने से रखे हैं, मैंने सारे सबूत 1 महीने से दिए, वो मांग रहे थे, और मेरी और मेरी पत्नी को मतलब अभद्र भाषा का परिचय देते हुए उसको थाने से भगाया गया। यह प्रकरण जनपद कानपुर नगर से संबंधित है। स्थानीय थाने को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप अंकित किए गए थे कि एक विद्यालय के टीचर के द्वारा जबरन यौन उत्पीड़न और मतांतरण के संदर्भ में कुछ आरोप अंकित किए गए थे। उन आरोपों की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और प्रकरण के संदर्भ में मोबाइल को प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भेजा जा रहा है। प्रकरण में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके क्रम में आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार तहसील बख्शी का तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई की और समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए और निस्तारणों के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके फीडबैक भी ले। खबर गोंडा से है, जहां जिला महिला अस्पताल में अचानक 13 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले हुए प्रसव के बाद जब रात में स्टाफ नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया तो बुखार, ठंड, उल्टी, घबराहट और तमाम तरह के लक्षण एक साथ दिखाई देने लगे, जिसके बाद आनंद फानंद में महिला अस्पताल के डॉक्टर पहुंचे तो अस्पताल में भर्ती सभी 13 प्रसूताओं की तबीयत खराब पाई गई, जिसके बाद CMS रक्षा चतुर्वेदी के नेतृत्व में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, तब जाकर स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई। वहीं तीरमारदारों का कहना है कि रात में नर्स ने इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद अभी तबीयत खराब होने लगी और मरीजों को झटके भी आने लगे। वहीं CMS रक्षा चतुर्वेदी ने बताया कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद रिएक्शन हुआ है, उसी के चलते मरीजों की हालत बिगड़ी थी, अब इलाज के बाद स्थिति सामान्य है और हालत पर कंट्रोल कर लिया गया है और सभी का बेहतर इलाज कराया जा रहा है। हमारी 8 की बहू हैं, इनका परसों सीजर से ऑपरेशन हुआ था, सीजर हुआ था, आज अचानक इंजेक्शन लगा, इनकी तबीयत गड़बड़ हो गया, एक बार परेशानी आ गई, झटका आ गया और इसके बाद कोई डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है इस समय, हम लोग बाहर से इंजेक्शन मंगा के लगवाए हैं। आज ये ऑपरेशन के 3rd दिवस के मरीज हैं, जिनको शाम की डोज की एंटीबायोटिक लगी थी जो कि रिएक्शन कर गई और इनको समय से सब मैनेज हो गया, जिसके कारण उनको बुखार, ठंडी लग करके बुखार आया था, अब सभी मरीज ठीक हैं। नहीं, अभी तो नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन है। हमारे पतवा के ऑपरेशन पर किसके लड़की है, फिर रात तक ठीक ठाक रही हमारी पतुआ, फिर 5 बजे सुई लाग, तब कसके जोड़ी आई, उसके बाद में 5 मिनट के बाद जोड़ी आई गया है, जोड़ी आए के बाद में यहाँ जब डॉक्टर को बुलाया गया, आई सुई लगाई, उसके बाद में यहाँ फिर बुखार कसके चढ़ आया, बुखार के फिर बुलाया गया, तब आए सुई लगाया है, हमारी पतुआ है वो। आप पतुआ की तबीयत ठीक है मरीज?
झांसी के मऊरानीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या और अपहरण के मुकदमों में वांछित इनामिया अपराधी की पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सीएससी मऊरानीपुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बदमाश को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। वही बदमाश के कब्जे से एक फैक्ट्री मेड पिस्टल, 2 मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में गलाकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पुलिस ने शव की पहचान सतेंद्र निवासी पंचशील कॉलोनी सोनिया बिहार के रूप में की है। बताया जा रहा है कि देर शाम से युवक घर से लापता हो गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। आज दिनांक 18 नवम्बर 2023 को थाना टीला मोड़ को समय करीब 7:30 बजे सूचना प्राप्त होती है की डिफेंस कॉलोनी के कुटी वाले गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पे थाना टीला मोड़ की पुलिस तत्काल मौके पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जिसका गला काट के हत्या कर दी गई है, शव कुटी वाले गड्ढे में पड़ा है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि यह शव सत्येंद्र पुत्र उदयवीर, जो सोनिया विहार थाना टीला मोड़ का रहने वाला है, शव को कब्जे में लेकर अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पता नहीं हमको तो खबर मिली है। खबर मिली किस चीज़ की? कि लड़के कदम पर दिया गला काट, क्या करके गला काट दिया लड़के का। अच्छा, ईंटों से भी पीटा है? हाँ जी, ईंटों से। ईंटों पे नहीं, बाउंड्री किनारे। अच्छा, अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।